नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूपी 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शुभी चतुर्वेदी। फिरोजाबाद में आज LIU विभाग द्वारा एक पाकिस्तानी महिला को पकड़ा गया है। महिला 1998 से फिरोजाबाद में पाकिस्तान से आई थी, जो कि लापता थी, जिसकी तलाश काफी समय से LIU विभाग को थी। आज राजस्थान के धौलपुर से महिला को हिरासत में ले लिया गया है, जिसकी तहरीर फिरोजाबाद के थाना दक्षिण में दे दी गई है। वहीं महिला का मेडिकल कराकर उसे जेल भेज दिया गया है। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में मेडिकल कराती ये महिला फौजिया पाकिस्तान की रहने वाली है, जिसको LIU विभाग की टीम ने राजस्थान के धौलपुर से हिरासत में लेकर फिरोजाबाद आई है। ये 1998 में अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ पाकिस्तान से फिरोजाबाद आई थी और 2011 में वीजा ड्रॉप होने की वजह से ये महिला व इसका परिवार तब से गायब है, जिनकी तलाश बराबर काफी समय से की जा रही है। आज महिला धौलपुर में मिली है। वही थाना दक्षिण पुलिस ने इनका मेडिकल करा कर इन्हें जेल भेज दिया है। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। 1998 पे 90 डेज वीज़ा पर आई थी फौजिया अपने परिजनों के साथ। 5 लोग आए थे। 2001 में इनको 2001 से विलुप्त हैं। लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई गवर्नमेंट के लिए भेजा गया था, विलुप्त हो गए थे। कल धौलपुर में ट्रेस हुई तो उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया, आज उन्हें जेल भेजा गया। नगर निगम फिरोजाबाद क्षेत्र में रहने वाले सभी मुस्लिम बंधुओं, विशेषकर रोजेदारों को ईद की शुभकामनाएं।